उपेन कुमार जी। हाँ। उपेन कुमार जी क्या करते हैं, मसाला खाए हुए हैं आप? मसाला खाए, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आते हैं। मसाला नहीं खाना चाहिए? मसाला जरूर खाना चाहिए। खाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कानपुर की लोगों की पसंद है मसाला? पसंद है। अच्छा, अभी तो जानते हैं कानपुर वाले आए हैं। हम तो वोट देंगे नहीं, हम ये मानते हैं। वोट नहीं देंगे? वोट देना चाहिए। वोट देंगे विपक्ष की पार्टी, वोट देंगे। 2024 का 10-15 साल तक बीजेपी को उन्होंने हटाया ना पंजाब। अच्छा। हाँ, क्योंकि काम कर रही हो, काम कर रही है, जिस हिसाब से माहौल बन चुका है, बीजेपी को तो कोई छू भी नहीं पाएगा, चाहे कितना बड़ा गठबंधन कर लें। पटेल जी क्या करते हैं? सर हम एडवोकेट हैं। अच्छा, वकील साहब हैं। जी जी जी। काम वाम ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी तो पढ़ाई चल रही है, मैंने नहीं अभी, लेकिन हाँ चल रहा है, सिस्टम बढ़िया है। जिसको भी वोट दे वो व्यक्ति जब आएगा नहीं गाँव में, तो बीजेपी को इस बार मेरा मन नहीं वोट देने का है। 2024 के लोकसभा का चुनाव अब से कुछ ही महीनों में होने जा रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। आपको बता दें, मैं मौजूद हूं कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र पर। अकबरपुर लोकसभा का कल्याण विधानसभा क्षेत्र है ये, जहां पर अगर कम्युनिटी की बात करें, यहाँ कुर्मी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा आबादी इसी गांव में बताई जा रही है, बैरी गांव है। यहाँ पर करीब से 20 से 22 हज़ार लोगों की आबादी है और 8 से 9 हज़ार वोटर हैं। हो सकता है कि इससे कुछ और वोटर आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप इसी गाँव में रहते हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी इसी गाँव में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं, 2024 के लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 में अब से कुछ ही महीने में हो जाएगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि किसकी तरफ जाएंगे आप लोग? अब इसके बारे में क्या बताएं भाई, पूछो नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं ये बताइए। सांसद कौन है आपके यहाँ से? देवेंद्र सिंह भोले। कितना काम करा है? हम तो अभी नए रहे हैं भाई, हमें तो कोई पता नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी कम्युनिटी की बात बता रहे हैं, कर्मी कम्युनिटी के लोग हैं आप लोग, तो क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए आप लोगों को, जो नहीं हुआ या हुआ? हमारे सोच तो यह है कि अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए। अच्छे में क्या होना चाहिए? जैसे अच्छे में क्या, मान लो गांव समाज सेवाएं हैं, मतलब वो चाहिए, जो लोगों को दिक्कतें हैं वो मतलब पूरी होनी चाहिए। आपकी इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, किसके लिए वोट? अब वो तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो कुछ तो विचार बनाया होगा किस पार्टी ने क्या काम कर रहा है? वो अभी कुछ नहीं कह सकते। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए, आप इसी गांव में रहते हैं सर, क्या शुभ नाम है आपका? मुमताज अहमद। क्या करते हैं सर? अरे हमारे तो दुकान है, सैलून की दुकान है। दुकान ठीक चल रही है? अब तो हटा दी गई, उधर पहुंच गए लोग। अच्छा, क्या कर रहे हैं फिर इस समय, घर परिवार कैसे? चला रहे, मतलब जैसे तैसे घर चला रहे हैं। अच्छा, 2024 के लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप भी यहीं रहते हैं इन कम्युनिटी के बीच में, क्या सोचते हैं किस तरीके का लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो ये है कि ये सांसद तो कभी यहाँ आते नहीं हैं। सांसद नहीं आते? देवेंद्र सिंह जो बोले जो हैं सांसद हैं, कभी नहीं इधर आते क्षेत्र में। अच्छा, ये चुनाव जब आएगा तभी जो एक रैली निकालेंगे, बंद निकल जाएंगे, और बाकी और जो है रुकना गुना आना जाना कहीं नहीं है। अच्छा, विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य क्या क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं? विकास तो आप देख ही रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। विकास के नाम पर तो बिल्कुल जो जीरो है। क्या काम होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए? काम तो जैसे पब्लिक का ये सब है, यही होना चाहिए भाई। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को तो बिजली पानी सड़क बस, और तो पैसा तो मांगती नहीं है कि हमें पैसा दे दो, ये दे दो, बस उसकी सुविधा चाहिए, नाली चाहिए, लाइट चाहिए, सीवर चाहिए, रोड चाहिए बढ़िया। सांसद जी तो कह रहे हैं हम बढ़िया काम करा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, लोगों की खूब जो सुविधाएं सरकार से मिल रही वो उनको तक पहुँचाते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रही आपके क्षेत्र में। जी, यहाँ नहीं पहुँच। आप भी भाई साहब इसी गांव में रहते हैं? जी जी। क्या नाम है? राकेश जी। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी काम करते हैं। काम ठीक चल रहा है अभी इस समय? अच्छा, 2024 के लोकसभा का चुनाव है, अब से कुछ ही महीनों में होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, क्या मुद्दे समझ के आप लोग वोट डालेंगे? मुद्दे हमारे यही रहेंगे भाई साहब की हमारे रोडें हैं, नाली है, बिजली है, शिक्षा के लिए है, इसमें जो भी चुनाव लड़ने आएगा लोकसभा का, इसके लिए कार्य करेगा तो हम लोग उसके साथ में हैं। रोड, शिक्षा, सड़क ये सब तो मिल रही है इस समय, देख रहे हैं चारों तरफ आप, चारों प्रसार हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। नहीं, मिल रोड बन रही रोडें, मगर जैसे अभी इनने कहा कि जो हमारे सांसद जी हैं कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़े, तो सबसे बड़ी कमी ये है। मेन मुद्दा काम का होता है, सांसद जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि लोकसभा क्षेत्र आपका बड़ा है, हो सकता है कि काम आपके क्षेत्र में हो रहे हैं। ना, काम तो इस समय हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। फिर भी जो जनप्रतिनिधि होता है, जैसे हमने उनको चुनकर भेजा लोग सांसद बना के, तो उनको कम से कम हम लोग बीच में कभी नकदार तो
आना जाना। क्या कुछ समस्याएं बनी रहती हैं? समस्याएं तो फिलहाल अभी इस समय तो नहीं है। अच्छा, 24 में जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचेंगे, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? एक तरफ गठबंधन है, अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, हालांकि गठबंधन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान आ रहा है, और इस समय अगर बीजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि 2024 में फिर एक बार कमल खिलेगा, आप क्या मानते हैं? हम भी यही मान रहे हैं कि 2024 का 10-15 साल तक बीजेपी को कौन हटाए ना पाइए। अच्छा हाँ, क्योंकि काम कर रही हो, काम कर रही है, जिस हिसाब से माहौल बन चुका है, बीजेपी को तो कोई छू भी नहीं पाएगा, चाहे कितना बड़ा गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें। हमारे पास यही बता कहना चाहते हैं आपसे, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखें? फिर मोदी बनेगा दोबारा, फिर मोदी बनेगा। बिल्कुल, देखिए ये कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं जिनका अलग अलग कहना है, अलग अलग सोच है, हालांकि और भी लोग हैं यहाँ, युवा भी हैं, इस 12 गांव के लोग हैं, और भी लोगों से बात कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहीं रहते हैं भाई साहब? जी भैया। क्या नाम है सर? अभिषेक सिंह पटेल। अभिषेक सिंह पटेल जी, पटेल जी क्या करते हैं? सर हम एडवोकेट हैं। अच्छा, वकील साहब हैं। जी जी जी। काम वाम ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, अभी तो पढ़ाई चल रही है, मैंने नहीं अभी, लेकिन हाँ चल रहा है, सिस्टम बढ़िया है। मतलब उम्मीद है कि आप वकील साहब बन जाएंगे फिर कोर्ट कचहरी जी, जी, जी भैया जी। अच्छा, ये बताइए कि 2024 के लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी, किसको प्रधानमंत्री के रूप में इस बार आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी बोर्ड की बैंक की बात सभी लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री 2 बार तो मोदी जी बन चुके हैं जी, जैसा भी कार्यकाल लाओ ठीक, लेकिन तो अपने गाँव क्षेत्र का देखेंगे, देश के अंदर भी देखेंगे, लेकिन पहले तो अपना घर देखेंगे ना। गांव कौन सा है? अब ये लोकसभा लगती है अकबरपुर, 2 बार सांसद जी भोले जी रह चुके हैं, मोदी जी शिकायत तो नहीं, लेकिन हाँ जो हमारे लोकल सांसद हैं उनसे हमको शिकायत है, आज तक वहाँ कभी आए नहीं, गांव के अंदर हैं ना, कोई विकास ना कुछ नहीं। विकास में क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है गाँव की सड़कें, आज भी हम जब से पैदा हुए हैं उसी सड़कें पड़ी हैं, उसी सड़कें जो बनी है आपके गाँव की। हाँ, कब बनी थी ये? तो अभी 3-4 साल हुए जब बनी थी, इन्हीं के अजीत पटेल थे पार्षद जब उन्होंने बनवाई थी। लोकसभा क्षेत्र तो सांसद जी का। हाँ, वो आज तक आए नहीं, उनको किसी ने जानता है नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। 2024 में क्या समझ के आप वोट देंगे, किसको देंगे? गठबंधन एक तरफ है जो हुंकार भर रहा है कि अब की कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करेंगे, बीजेपी भी यही कह रही है कि इस बार फिर मोदी सरकार आ जाए। नहीं, मोदी सरकार आए, कोई सरकार आए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन जिसको भी वोट दे वो व्यक्ति जब आएगा नहीं गांव में, तो बीजेपी को इस बार मेरा मन नहीं वोट देने का है। कि जो जिसको चुनेंगे प्रधानमंत्री के रूप, अब देखते हैं कौन कौन प्रत्याशी यार। आप क्या समझ रहे हैं? एक तरफ गठबंधन भी है पूरी तरीके से, 2 बार इनको देख चुके हैं मोदी जी को, अब इनकी भी उम्र हो रही है, थोड़ा सा उन लोगों को मौका दिया जाए, नए लोगों को। नए लोग कौन है आपकी नज़र? अब अभी तो भैया नहीं बता सकते कौन है कौन नहीं है। गठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मन में मैं वो बोल रहा हूँ। आप अपनी पूरी बात नहीं बता रहे हैं, हालांकि ये समय आने पे आप वोट जरूर देंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए बात करते हैं, यहाँ के लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं इस बार फिर मोदी सरकार आनी चाहिए। ये मोबाइल पर एक भाई साहब बात कर रहे हैं, और भी गाड़ी से भी कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है सर? उपेंद्र कुमार। पूरा नाम क्या लिखते हैं? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी। हाँ। उपेंद्र कुमार जी क्या करते हैं? मसाला खाए हुए हैं आप? मसाला खाए, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आते हैं। मसाला नहीं खाना चाहिए? मसाला जरूर खाना चाहिए। खाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, कानपुर की लोगों की पसंद है मसाला? पसंद है। अच्छा, तभी तो जानते हैं कानपुर वाले आए हैं। अच्छा, तो आप आ गए। हाँ। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? बीजेपी मोदी। क्या काम अच्छे लगे इन लोगों? उनके काम ये अच्छे लगे, गुंडा अपराध चला गया है, और बाकी सुविधाएं आप देख ही रहे हैं, विकास हो रहा है। बस ये हमारी नहीं बन पा रही है दूरिया। क्या नहीं बन पा रही? देखो वो जंगल धार है, मतलब तालाब आपका ये नहीं बन पा रहा, सुंदरीकरण तो हो गया आपके तालाब का? उतना कहाँ हुआ, देख लीजिए आप खुद, उसमें इतना बजट आ गया था जो नहीं हो पाया। ये तो आप ही बता रहे हैं काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा विधायक है, और जो पार्षद हमारे यहाँ के हैं वो नहीं करा पाते हैं, सांसद जी करा रहे हैं। सांसद जी करवा रहे हैं, कूड़ा उड़ा जमा रहता है गांव से, कूड़ा नहीं उठाया जाता है। ये हमारे यहाँ वार्ड नंबर 17 के पास है। कौन सा गांव है? बैरी। बैरी गांव। कितने लोग होंगे आपके गांव में जो वोटर होंगे लगभग? जानकारी ये जानकारी भैया हमारे बता सकते। अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखें? योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहते हैं। मोदी जी? मोदी जी तो हैं ही, लेकिन अब की भाई योगी आदित्यनाथ को ही बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, हालांकि इनका कहना है कि
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी पूछ लेंगे। आप बैठे हुए हैं भाई साहब, अभी मोबाइल पे आप बात कर रहे थे, यहीं रहते हैं आप? हाँ भाई साहब, आसपास रहते हैं। क्या नाम है आप? केशव। पूरा नाम क्या लिखते हैं? केशव श्रीवास्तव। केशव श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं? अरे वैसे ही बस हार्डवेयर वर्क है अपना, प्लम्बरिंग वर्क। प्लम्बरिंग करते हैं, काम ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक ठाक चल रहा है, बस जैसे चल जाता है गुजारा हो जाता है, और क्या है सर। घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो होती है सर। अच्छा, सरकार जब आई थी तो क्या सोचा था आपने? नहीं, सरकार आई थी तो अच्छा है, सरकार अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं है। आप काम तो हमारे ऊपर होता है ना कि हम अच्छा करें। तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, मार्केट होनी चाहिए ना, आप इतनी बड़ी तो काम नहीं मिल रहा है क्या मार्केट में? नहीं नहीं, मिल रहा है, काम मिलता है, लेकिन मार्केट में देखिए, अगर आप 10 में करते हैं तो कोई 4 में करने के लिए तैयार हो जाता है। कंपटीशन बहुत है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा काम महंगा होगा, कोई भी अगर कंपनी क्वालिटी अच्छी देती है तो महंगी महंगा। आप तो प्राइवेट करते हैं? जी प्राइवेट करते हैं, हमने सरकारी भी किया है निर्माण निगम में। अच्छा ये बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसने अच्छा काम किया? देखिए मोदी जी परफेक्ट मैन है, ठीक है, अगर मोदी जी रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो योगी जी तो बैठे ही हैं। योगी जी भी प्रधानमंत्री बन सकते? जी क्यों नहीं। अच्छा, एक तरफ गठबंधन कह रहा है कि ओबीसी के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, और बीजेपी भी कह रही है कि ओबीसी के लिए अच्छी योजना है। बात है भाई साहब, सीधी बात है कि योगी जी और मोदी जी एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान सीधे समझ सकता है कि ना उनके कोई संतान है ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उनकी संतान सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग ही मोदी जी सोचते हैं, ये मोदी जी और योगी जी सोचते हैं, क्योंकि हम मतलब देश की जनता के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जी वो दोनों लोग ही परफेक्ट हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोगों का अपना अपना मत है, लोगों का कहना है मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्री जी भी अपना काम कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आए उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये बताइए, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है? बलवीर जी। बलवीर। बलवीर जी, क्या करते हैं बलवीर जी? दुकान है। दुकान चाय की? दुकान चाय बेचते हैं? क्या दुकान अच्छी चल रही है? चल रही है। चाय बेचते थे, अभी चाय बेच रहे। चाय चल, दुकान चल रही है? हाँ चल रही। कमा लेते हैं ठीक ठाक घर पर? कमा लेते हैं, अब देख लो सब बेरोजगारी है, कोई किसी पास पैसा नहीं तो कहाँ से आएगा। आग लगाई थी दुकान? आग लग गई ना हमारे यहाँ सभा दुकान पे आग लग गई ना, सभासद आए ना खटिया रही, कोई मतलब कोई दिखने नहीं आया। अच्छा हाँ, ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे तो क्या लगता है आपको, किसको लगता है? अब देखो जनता की वो है, कहाँ वोट देती है कहाँ नहीं देती है, और हम तो वोट दे। आप क्या मानते हैं? हम तो वोट देंगे नहीं, हम ये मानते हैं वोट नहीं देंगे, वोट देना चाहिए। नहीं वोट देंगे विपक्ष की पार्टी, वोट देंगे हम विपक्ष को। आप चुनेंगे विपक्ष को? क्यों चुनेंगे? कुछ कारण है? क्या कारण है, क्या सोचते हैं आप कि जो इस सरकार में नहीं हुआ शायद आप विपक्ष? हमारे गांव में कम हजारों लड़के से घूम रहे बेरोजगार, बेरोजगार घूम। आप क्या रोजगार नहीं है मेन मुद्दा, ये आपको लगता है? हाँ। इसलिए आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री दूसरा होना चाहिए, ये आप मानते हैं? हाँ। बिल्कुल, देखिए साथ बलबीर जी हैं, इनकी चाय की होटल है, अगर पीछे आपको दिख रही होगी चाय की होटल है, इनकी छोटी सी गुमटी है, हालांकि इनका कहना है आग लग गई थी लेकिन कोई इनकी सुध लेने नहीं आया, किसी तरीके से अपना परिवार पाल रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं आपसे बात करेंगे। आप इसी गांव में रहते हैं भाई साहब? क्या नाम है? आशीष पटेल। क्या करते हैं पटेल जी? मैं इंटेलिजेंस में हूँ, आर्मी इंटेलिजेंस में। आर्मी इंटेलिजेंस? तो छुट्टी भी आए हैं क्या? छुट्टी भी आए हैं। तो कब लगी नौकरी आपकी? मेरी 22 साल हो गए। 22 साल हो गए, बहुत पहले चले गए थे, तो रिटायरमेंट ही होने वाली है? बस 3 साल और बचे। तो कितने दिन की छुट्टी पे है? मैं 2.5 महीने। 2.5 महीने, कितने दिन हो गए? अभी मेरे को दशहरे में आया था। दशहरे में, मतलब महीने भर हो गए। तो घर परिवार ठीक चल रहा है? सब फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया चल रहा है। देश की रक्षा ठीक हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पहले में अब में क्या फ़र्क लगा देश के बॉर्डर पर जो चेंजेस हुए? चेंजेस क्या, पहले से थोड़ी मजबूत हो गई है फौज। फौज मजबूत हो गई है 10 सालों में? हाँ, क्योंकि जो इक्विपमेंट जो हमारे पहले नहीं थे, वो हमें अभी लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो मिले हैं। मतलब सरकार बदली उसके बाद कहीं ना कहीं योजनाएं बदली, इक्विपमेंट मिले जो भारत फौज में नहीं थे, आर्मी में नहीं थे, अब देश की रक्षा ठीक हो रही है। बिल्कुल ठीक हो रही है। क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? बस यही कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हमारा ठीक है, लेकिन जो गांव के हिसाब से, हम अपने लोकसभा के हिसाब से गाँव आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ के एमपी हैं, बाबा बोलते हैं उनको, भोले,
तो उन्होंने देवेंद्र सिंह बोले वो करीब दो बार के एमपी हैं, लेकिन कभी यहाँ की जनता किससे मतलब आए नहीं गांव में, ये शिकायत। हाँ। बाकी और विकास की बात करें, विकास देखो ये पिछले साल जो सभासद और वो थे उन्होंने ये तालाब का विधायक निधि से उद्देश्य हुआ था, लेकिन अभी उसका कोई मतलब सुंदरीकरण और नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी देश तो बहुत मतलब जो आर्मी है आपकी वो बहुत मजबूत हो गई, बहुत मजबूत हो गई, लेकिन मजबूती तो हम दिखाई नहीं उधर, लेकिन यहाँ जो अंदर का देश के अंदर की जो चीजें हैं साथ में वो भी मजबूत होनी चाहिए, ये कहना है। हाँ ये बिल्कुल। देखिए और भी व्यक्ति है यहाँ पर, अभी ये बाइक से आए हुए हैं, क्या नाम है भाई साहब? रमाकांत पटेल। रमाकांत पटेल जी इसी गांव में रहते हैं, कौन सा गांव है ये? बैरी गांव, बैरी अकबरपुर। अच्छा 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक तरफ गठबंधन है कि ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं बात कर रही है कि इनको फ़ायदा दिलाएंगे, योजनाएं लाएंगे, एक तरफ सत्ता पक्ष है बीजेपी कह रही है कि अब की जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं अगर वो जीतते हैं तो ओबीसी के लिए अच्छा काम करेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी। क्या काम किया, क्या काम अच्छा लगा? नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कैसे? जैसे कि कहीं किसी भी स्तर पर देख लें, या आर्मी देख लें, या हमारे डीजीपी देख लें, या और कई चीज़ें देख लें, देश की स्थिति देख लें, या अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की देख लें, अन्य देश पहले क्या कहते थे, भारत के बारे में क्या सोच थी, आप देख लें कि भारत के बारे में अन्य देशों की अपेक्षा उनकी क्या सोच है, मतलब पूरे देश में जो देश का डंका बोल रहा है उसको लेकर देखना। हाँ उसको लेकर हम अब 2024 में किसको मानते हैं कि इन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए या मोदी बनना चाहिए? काम अच्छे लगे आपको? अच्छे का लगे देश। बिल्कुल। देखिए अकबरपुर लोकसभा का क्षेत्र है जो कल्याणपुर विधानसभा में आता है, यहाँ पर करीब 20 से 22,000 लोगों की जनसंख्या और करीब 7 से 8,000 या उससे ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पर, और यहाँ की कम्युनिटी के लोग जो कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं वो हमने आपको बताया। कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एक फौजी भी थे जो इसी गांव में रहते थे, उनका कहना है कि जो पहले इक्विपमेंट आर्मी के पास नहीं थे अब कहीं ना कहीं देश को मजबूती की राह पर ले जाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। राकेश जी यहाँ पर मौजूद है, ये कुछ कहना चाहते हैं सर जी? राकेश, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी केंद्र गवर्नमेंट से जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी वो भी ठीक कार्य कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट में योगी जी भी ठीक कार्य कर रहे हैं, ये जो वार्डों में पार्षद हो गए हैं नए बीजेपी से क्षेत्रीय स्तर पे, ये पार्टी की छवि को बहुत ही धूमिल कर रहे हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा सुधार होना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं को, विधायक सांसदों को गौर करना चाहिए, लोकल स्तर पे भी नज़र रखनी चाहिए बीजेपी को, जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं आती वो शायद नहीं पहुँच पा रही, ये कहना है। वो पक्षपात करते हैं कि इनने हमको वोट नहीं दिया, तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ। मतलब आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि बीजेपी सभी जातियों की बात कर रही है लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाता है, ये कहना है। अब जैसे मान लीजिए कि अब कुछ गाँव की कुछ गलियाँ हैं तो उनने पार्षद ने कह दिया कि यहाँ गली वालों वोट नहीं दिया तो वहाँ झाड़ू नहीं लगती है, ये तो क्षेत्रीय मुद्दा हो गया। आपको क्या लगता है 24 में ठीक सरकार यही लड़ेगी ना? सरकार तो यही आएगी, इसको तो कोई हटा नहीं पाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, ये कुर्मी कम्युनिटी के लोग थे, कई लोगों से यहाँ पर बातचीत की और सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बीजेपी जो मौजूदा सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के बात कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन अभी वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकबरपुर लोकसभा में कौन जीत करके आता है और कौन जनता की सेवा करता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से सूरज सिंह, यूपी तक।